Good morning, children. Today we'll begin with a new chapter, that is chapter 8, winds, storms and cyclones. As you all know that the moving air, either fast or slow, it is called wind. Rain, thunder, lightning, wind, storm, cyclone, etc. are natural phenomena. These all occur naturally. So, we'll read this chapter today. Air is around us. हम लोगों के चारों तरफ एयर है. Means we all are surrounded with a layer of air that is called atmosphere. हम सभी लोगों के चारों तरफ एक एयर का लेयर है जिसे हम एटमॉस्फियर कहते हैं. Air exerts pressure on the earth equal to the weight of air acting on per unit area. एयर जो हवा है वो हमारे ऊपर और सभी चीज़ों के ऊपर वो एक प्रेशर एग्जर्ट करती है, क्रिएट करती है. इट पुट्स प्रेशर ऑन द ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ पर यूनिट एरिया एंड द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एयर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और हवा के द्वारा जो प्रेशर हम लोगों पे या प्रत्येक व्यक्ति वस्तु पर जो भी प्रेशर पड़ता है एयर के द्वारा, दैट इज़ कॉल्ड एयर प्रेशर. मीन्स द प्रेशर ऑफ एयर, द प्रेशर दैट इज़ क्रिएटेड बाय एयर ऑन ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज़ कॉल्ड एयर प्रेशर. सो वी कैन कंक्लूड दैट एयर एग्जर्ट्स प्रेशर. सेकेंड थिंग इज एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग. When air is heated, then it expands. And when air is cooled, then it contracts. And it also becomes heavier. Whereas when we heat the air, it expands and becomes lighter. Now, next heading is the air exerts pressure. Air exerts pressure in different ways in different situations. Some of the examples are given here. It is easier to ride a bicycle in the direction of wind because the moving wind exert a pressure in the same direction in which your bicycle is moving. जैसे अगर कभी आप लोग बाइक से या साइकिल राइड करते होंगे तो देखा होगा, अगर जिस डायरेक्शन में आप चल रहे हो उसी डायरेक्शन में हवा भी चल रही है तो साइकिल को राइड करना बहुत इजी हो जाता है, है ना. इट बिकम्स ईजियर टू राइड द बाइसिकल. लेकिन कभी ऐसा हो कि आप जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हवा आ रही है, विंड चल रही है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है एंड इट बिकम्स बिट डिफ़िकल्ट टू मूव इन अपोजिट डायरेक्शन बिकॉज एयर इज एग्जर्टिंग प्रेशर इन अपोजिट डायरेक्शन towards your movement. So it is easier to row the sailboat in the direction of wind. So everything becomes easier if it is moving in the direction of wind. But if the movement is against the direction of wind, then it becomes difficult to move. Or it needs more effort to move in opposite direction to the wind. Next we come to air expands on heating and contracts on cooling. For this you can take an example. एक container ले लीजिए जिसकी lid cover हो, उसमें थोड़ा सा पानी रखिए और उसे हीट करिए. तो जब आप हीट करेंगे तो क्या होगा, वाटर विल कन्वर्ट इनटू स्टीम और वो जो लिड है वो भी निकल के बाहर आ जाएगा या खुल जाएगा. एंड इफ देयर इज़ नो लिड, द स्टीम विल स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द कंटेनर. इट मीन्स दैट एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग. अब उसी कंटेनर का लिड क्लोज करके ठंडे पानी के नीचे रख दीजिए तो क्या होगा, द शेप ऑफ द कंटेनर विल
चेंज, इट विल बेंड टू वन साइड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर जो एयर थी वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई, सिकुड़ गई, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से उसका वॉल्यूम कम हो गया, एंड दैट्स वाई द कंटेनर हैज़ बेंड टू वन साइड। सो बाय दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन से दैट एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग। नाउ नेक्स्ट वी कम दैट हॉट एयर इज लाइटर दैन कोल्ड एयर। नॉ चिल्ड्रेन, जैसे कि हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया या बताया कि व्हेन द एयर इज़ हॉट इट एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग, लेकिन मॉलिक्यूल्स तो उतने ही हैं, वो एक्सपैंड हो गया, ज़्यादा जगह ले लिया, मीन्स इट्स वॉल्यूम हैज़ इंक्रीज्ड एंड देयरफॉर डेंसिटी ऑफ दैट एयर हैज़ डिक्रीज्ड, मीन्स इट हैज़ बिकम लाइटर, वो हल्का हो गया। उतने ही मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर एक्सपैंड होने के बाद उनका वॉल्यूम बढ़ जाता है और इस वजह से वो हल्के हो जाते हैं, है ना। डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस ऑन हीटिंग, एंड जब उसकी डेंसिटी, एयर की डेंसिटी डिक्रीज होने की वजह से एयर हल्का हो जाता है और वो ऊपर की तरफ मूव करता है ना। सो द हॉट एयर, व्हेन द एयर इज हीटेड इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, सो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एयर बिकम्स लेस, आर लेस इन नंबर, सो इट बिकम्स लाइट एंड राइज अपवर्ड्स, वेयर एज द कूल एयर, इन कूल एयर द वॉल्यूम इज लेस बट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इट आर मोर बिकॉज दे आर हेवियर। सो वी कैन से दैट density of cold air is more than the density of hot air, therefore hot air rises upwards and create vacuum at the base, where and to occupy that space the cold air comes and occupy the space that is created by the hot air। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो गर्म हवा है वो हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उठती है, वो ऊपर की तरफ उठ जाएगी तो नीचे एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, उस वैक्यूम को फिल करने के लिए कोल एयर आएगी और उस जगह पे भर जाएगी। तो इसका मतलब हॉट एयर इज़ लाइटर एंड दैट इज़ व्हाई इट राइजेस अपवर्ड्स, वेयर एज कोल्ड एयर इज़ हेवियर देन हॉट एयर, सो इट कम्स एंड ऑक्यूपाई द वैक्यूम क्रिएटेड बाई हॉट एयर। Here one experiment is also given, you can see in the figure that it is inverted paper bag, both are inverted paper bags and closed at the bottom, cold air in one bag, in both the bags you can see the balance is equal, but if one of the bag is being heated then what happens, उसमें का जो हॉट, उसमें जो एयर है वो एयर गर्म हो गई और गर्म होने की वजह से वॉल्यूम तो उतना ही है लेकिन उसमें से एयर मॉलिक्यूल्स निकल के बाहर भी आ गए, सो इट हैज़ बिकम लाइटर, ये हल्की हो गई एंड इट्स डेंसिटी आल्सो डिक्रीजेस। सो इन दिस फिगर इट इज़ क्लियर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज High speed winds are accompanied by reduced air pressure. Normally जो हवा चलती है वो क्यों चलती है, ड्यू टू हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एयर, है ना। हवा के गर्म होने या ठंडे होने की वजह से एक विंड में रेगुलरिटी बनी होती है कि विंड ऑलवेज मूव्स, आइदर इट्स स्पीड इज स्लो और इट्स स्पीड इज हाई, but when the speed is very high then it means it is wind or storm,
एंड वेरी हाई स्पीड इज़ एकॉम्पेंड ड्यू टू रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, जैसे कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी हुई, गर्मी की वजह से वहाँ की लैंड सरफेस पूरी हॉट हो गई और हॉट लैंड सरफेस के कॉन्टैक्ट में जितना भी एयर आ रहा है वो सब हॉट होते जा रहा है और हॉट होने की वजह से वो लाइट भी हो रहा है और ऊपर की तरफ उड़ता चला जाता है ना। तो वहाँ एक बड़ा सा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है क्योंकि वहाँ हॉट एयर तो ऊपर हो गई पर नीचे अब खाली जगह वैक्यूम छोड़ गई। उस वैक्यूम को ऑक्यूपाई करने के लिए कोल्ड एयर बहुत स्पीड से आती है और उस जगह को घेर लेती है। इस तरह से हाई स्पीड विंड्स जो हैं वो रिड्यूस्ड एयर प्रेशर की वजह से होते हैं, यानी तेज़ हवाएं वहीं चलेंगी जहाँ का प्रेशर बहुत कम होगा। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि बारिश या आंधी के पहले एक बिल्कुल शांत सा एटमॉस्फेयर हो जाता है, बिल्कुल शांत। कभी कभी तो लाइट वगैरह भी कट जाती है। आप प्रैक्टिकली अगर ध्यान दीजिए कभी आंधी तूफान आने के पहले कि बिल्कुल पूरा एटमॉस्फेयर एकदम शांत हो जाता है, एक भी पत्ता हिलता नहीं है, है ना। दैट इज़ कि लो प्रेशर एरिया वहाँ पर बन चुका है और अब लो प्रेशर एरिया बन गया है तो उसको हाई प्रेशर से कोल्ड विंड आएगा और उस जगह को ऑक्यूपाई करेगा और फिर आंधी चलेगी, है ना। तो आंधी आने के पहले, आंधी या तूफान आने के पहले एक बहुत ही लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, बहुत ही शांत एटमॉस्फेयर हो जाता है, इवन यू कैन फील इट। नाउ एयर मूव्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई एयर प्रेशर टू द रीजन ऑफ लो एयर प्रेशर। एयर जो है हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन की तरफ एयर मूव करता है। व्हेन द विंड स्पीड इज वेरी हाई द रूफ ऑफ द हट्स और द टिन शीट रूफ्स ऑफ द गोडाउन आर ब्लोन ऑफ। बहुत अगर तेज़ हवा है तो ऐसे कंडीशन में झोपड़ी हट्स के जो रूफ हैं या टीन शेड्स हैं ये भी उड़ जाते हैं। दिस इज बिकॉज व्हेन द हाई प्रेशर स्पीड विंड्स ब्लो ओवर द रूफ्स, जब बहुत तेज़ हवाएं रूफ के ऊपर से ब्लो करती हैं द एयर प्रेशर अबव द रूफ इज़ रिड्यूस्ड, है ना। तो रूफ के ऊपर, छत के ऊपर का एयर प्रेशर बहुत कम हो जाता है। दस द हायर एयर प्रेशर बिलो द रूफ एग्जर्ट्स अ लार्ज फोर्स टू लिफ्ट अप द रूफ विच कैन बी ब्लोन अवे बाई द फास्ट विंड्स। सो हाई प्रेशर एयर मूविंग ऑफ हाई प्रेशर एयर रिड्यूसेस द प्रेशर बिलो इट। हाई प्रेशर एयर जहाँ से भी मूव कर रही है तो उसके नीचे की जगह बिल्कुल लो प्रेशर एरिया बन जाती है और लो प्रेशर होने की वजह से रूफ जो है लिफ्ट हो जाते हैं एयर के साथ और उड़ जाते हैं। द विंग्स ऑफ द एरोप्लेन आर डिजाइन इन सच अ वे दैट द एयर अबव देम मूव्स फास्टर दैन द एयर बिलो देम। एरोप्लेन के विंग्स इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि उनके ऊपर जो एयर है वो तेज़ मूव करे और जबकि एरोप्लेन के नीचे की जो एयर है उसका प्रेशर कम रहे, इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं। व्हेन द एरोप्लेन रन्स ऑन द रनवे इन ऑर्डर टू टेक ऑफ द एयर अबव द विंग्स मूव फास्टर एंड द एयर बिकम्स वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द प्रेशर बिलो। अब एरोप्लेन को आसमान में उड़ना है तो उसके लिए ऊपर का प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए और नीचे का प्रेशर कम होना चाहिए, तभी एरोप्लेन ऊपर लिफ्ट हो पाएगा, है ना। तो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं। जब वे रनवे पे दौड़ते हैं तो ऊपर बहुत हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाती है
और उसके नीचे बहुत ही लो प्रेशर एरिया रह जाती है, जिसकी वजह से एरोप्लेन ऊपर की तरफ उठने लगता है और आसमान में उड़ने लगता है। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन्फ्लुएंसेस वेदर। व्हेन हॉट एयर राइजेस इट क्रिएट्स एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। वाटर वेपर इन इट कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स। दस लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर। व्हेन हॉट एयर राइजेस, जब गर्म हवा ऊपर की तरफ उठ जाती है तो वहाँ पे एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। वाटर वेपर इन इट कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स, तो फिर वो जो वाटर वेपर है वो कंडेंस हो जाते हैं, क्लाउड्स बन जाते हैं और फिर वो लो प्रेशर एरिया जो है क्लाउडी हो जाती है, वहाँ पे क्लाउडी स्काई हो जाता है, वेट वेदर मीन्स रेनफॉल वगैरह स्टार्ट हो जाती है। सो कन्वर्सली द कोल्ड एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर, इट मीन्स कंडेंसेशन कैन नॉट अकर। दस हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लियर एंड सनी स्काई। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाई प्रेशर जहाँ पे है वहाँ पे स्काई हमेशा क्लियर और सनी होगा। ओके, वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।